गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रोफेसर एमएल साहनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी होल लाइफ जो है बच्चों के कैरियर बनाने में लगी है और मेरी एक्सपर्टाइज ही है फिजिक्स में, जो कि मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो फील्ड है उसमें बच्चों को जो है कैरियर बनाता आ रहा हूं। मेरा लंबा तजर्बा है कि बच्चों को कैरियर बनाने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत लंबे समय तक काम किया, लगभग 27 ईयर से ज़्यादा मैंने मतलब जो है इस फील्ड में काम किया। और हज़ारों बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है अच्छे अव्वल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे एडमिशन मतलब पाए हैं और मोर देन 5,000 स्टूडेंट जो है वो मेडिकल में प्रेस्टिशियस मेडिकल कॉलेज इन इंडिया में एडमिशन पा चुके हैं। और हम लोग जो प्रेपरेशन करवाते हैं वो नीट की और आईआईटी जेई की प्रेपरेशंस हम करवाते आ रहे हैं। और वैसे भी चंडीगढ़ में मुझे काफ़ी साल, 24 साल मैंने इस प्रोफेशन में काम किया है। तो इसके अलावा भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, बहुत सारी मतलब फील्ड ऐसी है जिसमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन ये बात निर्भर करती है उनके इंटरेस्ट पे। तो अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज मैं एक नए कोर्स के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा और वो कोर्स जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप मतलब उस कोर्स को करते हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि वो अपना कैरियर जो है इंडिया में, अब्रॉड में, कहीं भी आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं उसी सिस्टमेटिकली उस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है डिप्लोमा और बैचलर इन चाइल्ड केयर गिवर। चाइल्ड केयर गिवर यानी कि इसको दूसरे शब्दों में नैनी का कोर्स भी बोलते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपकी लगभग प्लस टू रहेगी एनी स्ट्रीम में, और ड्यूरेशन जो है इसका, आपको डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 विद 6 वीक्स ट्रेनिंग। मतलब मोस्ट जो है इसका डिप्लोमा 1 साल का है। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल का आपका डिप्लोमा होगा, 2 सेमेस्टर्स होंगे और 2 सेमेस्टर में 6 वीक्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होगा, विद इन द इंस्टीट्यूट ही होगा। तो ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप लोगों को कम जानकारी है, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा, अगर मान लो आपने एडवांस डिप्लोमा करना है तो वो 2 ईयर्स का है। इसमें बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि 1 ईयर का डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप इससे सेटिस्फाई तो ठीक है, आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर एडवांस डिप्लोमा आपको करना है तो आप 1 साल और लगाए तो 2 ईयर्स हो जाएंगे इसमें, तो 2 ईयर्स में आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 2 ईयर के बाद अगर और आप अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बैचलर मतलब डिग्री मिल जाएगी, यानी कि 3 ईयर्स हो जाएंगे। तो 3 ईयर्स में आपके मतलब जो है 6 सेमेस्टर होंगे, लेकिन जो 5th सेमेस्टर में जो क्लासेज होंगी वो 5th और 6th में, यानी कि फाइनल जो ईयर होगा वो आपका क्या होगा, मतलब ट्रेनिंग होगा। देखिए, ये जो कोर्स है मतलब बैचलर इन चाइल्ड केयर गिवर, ये बहुत ही एक यूनिक टाइप का कोर्स है उन बच्चों के लिए जो मतलब जो है इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इसमें मैं एक और बात बताता हूँ आपको, अगर ये कोर्स आप इंडिया में करते हैं, इंडिया में देखिए सबसे सस्ते कोर्सेज जो है अगर आप करना चाहेंगे तो इंडिया में करिए। अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है तो उसके बाद उन कोर्स को करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नैनी का जो कोर्स है वो हाई इन डिमांड है कनाडा के अंदर अभी रिसेंटली, और आपको मैं एक जानकारी दूंगा कि
नैनी का जिसने कोर्स किया है वहां कनाडा में आपको डायरेक्ट मतलब जो है पीआर मिल जाएगी, मतलब पीआर आपको नैनी का कोर्स, क्योंकि वहां कनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कनेडियन गवर्नमेंट का वैसे तो हर कंट्रीज में ये रूल्स है, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट का एक स्पेशल रूल है कि जब बेबी पैदा होगा यानी कि माँ जो है बेबी को बर्थ देगी चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसको वो 12 साल तक, वैसे तो एक साल तो माँ का रहना जरूरी है, लेकिन वहां क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ वर्किंग होते हैं, तो अगर वाइफ को काम करना है तो वो एक साल तक बच्चे को मतलब केयर करे, माँ का प्यार दे, उसमें मतलब सारी केयर आ जाती है, लेकिन उसके बाद वो चाहती है कि मैं अब सर्विस करूं, तो वहां गवर्नमेंट की ये कंडीशन है कि 12 साल तक बच्चा जो है अकेला नहीं रह सकता, सबसे बड़ा इशू ये है। तो वहां पे जो माँ एम्प्लॉयज होती है तो वो क्या करती है, नैनीज को हायर करते हैं कि मेरे पीछे एक रिस्पॉन्सिबल जो है मतलब केयर टेकर हो, ताकि मेरे बच्चे को टाइम पे खाना खिलाए, टाइम पे उसको फीड करे, टाइम से उसको सिखाए भी। तो ये जो है बहुत डिमांडेबल जॉब है खासकर कनाडा के अंदर, और इसमें पीआर मिलना जो है 100% श्योर है, और अगर मान लो किसी ने कनाडा जाना है तो ये रास्ता सबसे बढ़िया है, और साथ में वो अपने हस्बैंड को फैमिली को वीजा लगता है इसमें, और फैमिली जा सकती है, और इसलिए मैं आप कह रहा हूँ हाई डिमांड है, और इंडिया में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे इस कोर्स की मतलब जो है डिमांड है, खासकर जो है नैनी की जो डिमांड है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ठीक है, प्राइवेट गवर्नेंसीज के लिए है, ठीक है, और फिर मैनेजर है, सुपरवाइजर इन डे केयर में है, होते हैं ना गवर्नमेंट के डे केयर मतलब होते हैं, स्कूल्स होते हैं माँ वहाँ पे, जैसे दूसरे शब्दों में क्रच कह सकते हैं आप, बहुत सारे शहरों में क्रच है और वहाँ पे डे केयर में इसकी ज़रूरत है। ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज होम में क्या है कि वहाँ पे भी इस कोर्स की हाईली डिमांड है, और पर्सन विद डिजेबिलिटी, भाई सेवा भाव का कोर्स है ये, अगर आप दिल से किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप मतलब जो है डिजेबिलिटीज जैसे कोई मतलब हैंडीकैप है या कोई और है, इस टाइप के मतलब जो है आप सर्विस पा सकते हैं। केयर गिवर टू बोथ मदर एंड न्यू बोर्न बेबीज, मतलब आपने क्या करना है कि जो मदर है या फिर बेबी है उस दोनों की केयर करने के लिए आप केयर गिवर, और नॉन क्लिनिकल है ना, बेबी केयर गिवर मतलब जो क्लिनिकल, आल्सो वर्क विद हॉस्पिटल इन चाइल्ड वार्ड, हर हॉस्पिटल में एक चाइल्ड वार्ड होता है, वहां पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, तो आप वहां पे भी बच्चों के साथ मतलब जो है अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अरे भाई जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को क्या होता है माँ कैसे प्यार करती है, उसी ढंग से मतलब जो है नैनी का वर्क होता है। तो ये बहुत डिमांडेबल मतलब कोर्स है और एलिजिबल है कनाडा की पीआर के लिए, और मैं आपको बताऊँ ये यूनिक टाइप का है, बहुत सारी गर्ल्स जो है, बहुत सारे मतलब जो है गर्ल्स स्टूडेंट जो है इसको अगर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स उनमें बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। और मैंने ये देखा कि ये कोर्स जो है वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन जो अपना विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी है मतलब चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे इसका बहुत बढ़िया मतलब जो है कोर्स वहाँ कराया जाता है, और प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, प्रैक्टिकल लैब्स है, किस ढंग से बच्चे को, भाई बच्चे को देखना कोई मतलब इट्स नॉट द कप मतलब इट्स नॉट द चाइल्ड्स प्ले, मतलब कोई ये नहीं है कि ये छोटा मोटा कोर्स है, ये बहुत बड़ा कोर्स है, इसको आप करिए, एक साल का मिलेगा डिप्लोमा, दो साल में आपको जो है एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, तीन साल लगाएंगे तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विद्या ज्योति मतलब इंस्टीट्यूट में करें, और उसमें फायदा ये है कि आपका पैसा नहीं लगेगा, पैसा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो साथ साथ जो है आपको हॉस्पिटल में इसी वार्ड में, ठीक है, इनके
साथ जो है हॉस्पिटल टाइम रहते हैं, तो चाइल्ड वार्ड में आपको जो है पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा देंगे, और जॉब के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी और पढ़ाई भी होगी, और आपको आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री भी मिल जाएगी। तो कैसी लगी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मेरी, ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंचाएं और अपने कैरियर को बेखूबी से बनाएं, और जो जाना चाहते हैं बाहर तो कनाडा में इसका जो है बहुत स्कोप है, PR के लिए आप इससे बढ़िया जो है रास्ता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं हूं प्रोफेसर सानी, मेरे वीडियो चैनल को जरूर मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि टाइम टू टाइम जो है मैं आपको डिफरेंट कैरियर मतलब जो है ये इंफॉर्मेशन देता रहूं और आप उसमें अमल करके अपना कैरियर बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का मतलब जो है डिप्लोमा बैचलर इन चाइल्ड केयर गिवर। थैंक यू वेरी मच।